वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको मीवी कोलर क्लासिक की साउंड क्वालिटी एंड उसके बैटरी बैकअप के बारे में बताने वाला हूं। गाइस, जब से मैंने इसको खरीदा है तब से लेके अभी तक लगभग 1.5 दिन से मैं इसको यूज़ कर रहा हूं। पर्सनली सारे काम मैं इसी से कर रहा हूं, तो गाइस उस बेस पर मैं आपको बता सकता हूं कि इसमें आपको जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी देखने के लिए मिलेगी, जो इसका बैटरी बैकअप है वो आपको कैसा देखने के लिए मिलेगा। जो भी आपके डाउट होंगे सब कुछ इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। गाइस, अगर आपने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाइए, वहां पर आपको इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी, जिससे कि आपको इसके सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। गाइस, अगर आपको साउंड क्वालिटी के बारे में जानना है और इसके बैटरी बैकअप के बारे में जानना है तो गाइस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके जो भी डाउट होंगे सब कुछ क्लियर होने वाले हैं। गाइस, मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आप गाइस, सबसे पहले इसकी साउंड क्वालिटी एंड बैटरी बैकअप के पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। जिसकी साइज़ है ना वो तो बिल्कुल भी बेकार है। डिज़ाइन भले ही अच्छी आपको देखने मिल जाएगी लेकिन जो इसकी साइज़ है ना वो काफ़ी बड़ी आपको देखने में लगती है। गाइस, जैसे ही हम बिल्कुल एक मीडियम शरीर वाले बंदे हैं तो गाइस हम जैसे ही इसको पहनेंगे तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज आपको देखने मिलता है। जैसे अगर मैं इसको पहनता हूं तो मेरे गले में पूरा टच हो जाता है और जिसका वायर है वो बहुत नीचे तक जाता है। आप देख सकते हैं कितना नीचे तक इसका वायर गया है। ये बिल्कुल भी देखने में सही नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, काफ़ी बेकार सी साइज़ दी गई है इसकी। अगर इसकी साइज़ थोड़ी छोटी होती तो गाइस मे भी काफ़ी शानदार लगता देखने में, लेकिन इसकी साइज़ है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हुआ है। अगर आप इसको खरीदते हैं, साइज़ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो गाइस ये आपके लिए एक बेस्ट ब्लूटूथ हो सकता है। अब आप गाइस साउंड क्वालिटी की बात करते हैं जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी है। गाइस, जैसे ही मैंने अपने फ़ोन से इसको कनेक्ट किया था, पहली बार जब मैंने सॉन्ग सुना था मुझे काफ़ी बढ़िया साउंड क्वालिटी लगी। जो बेस है वो भी काफ़ी अच्छे आते हैं, एकदम क्लियर आपको साउंड मिलेगा जो कि काफ़ी बढ़िया है। गाइस, इस प्राइस पॉइंट पे इतने अच्छे साउंड आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको काफ़ी बढ़िया साउंड क्वालिटी देखने के लिए मिल जाती है, एक डीप बेस देखने के लिए मिलता है आपको, तो साउंड क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी अच्छी आपको देखने मिल जाएगी। गाइस, आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जब ये स्टार्टिंग में जब पैक आता है, मतलब पैक होके आती है, तब यहाँ पर जो ए टिप्स होते हैं ना वो छोटे वाले इसमें लगे होते हैं। आप क्या करते हैं, जैसे इसका अनपैकिंग किया, इसको और अपने कान में डाल लिया, कान में फिट हुआ नहीं ढंग से और आप बोल देते हो इसमें साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो वैसे आपको करना क्या है, अपने कान के हिसाब से इसमें आपको ए टिप्स फ्री मिलते हैं वो इसमें यूज़ कीजिए, उसके बाद में जो आपको साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक आपको क्लियर देखने के लिए मिल जाएगी। तो वैसे साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। जब मैं साउंड क्वालिटी टेस्ट कर रहा था तो वैसे मेरे मन में एक सवाल आया, क्यों ना इसको एक बार कॉल टेस्ट किया जाए कि कॉलिंग पे हमको कैसी आवाज़ देखने को मिलती है। तो गाइस मैंने सोचा मेरे फ्रेंड को कॉल किया जाए और उसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट की जाए कॉलिंग पर। तो गाइस मैं बाहर गया, मेरी बाइक मैंने बाहर निकाली, बाइक पे मैं घूम रहा था, मेरे फ्रेंड को मैंने कॉल किया, मैंने उससे पूछा जो मेरी आवाज़ तेरे को आ रही है कितनी क्लियर आ रही है, कैसी आवाज़ आ रही है। जब मैं बाइक पे था तो उसने बोला बिल्कुल अच्छी आवाज़ आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बोला मैं बाइक पे चल रहा हूँ तो ये बाहर की कोई नॉइस आ रही है, तो बोला नहीं आ रही है, बस माइनर सी आवाज़ आ रही है। तो गाइस आप देख सकते हैं प्राइस के हिसाब से आपको कॉलिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और गाइस उसकी जो आवाज़ थी मुझे भी काफ़ी क्लियर आ रही थी, ऐसा नहीं है कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी। इसमें आपको PNC का सपोर्ट मिलता है, उसके हिसाब से जो आवाज़ मिलती है काफ़ी क्लियर आपको देखने में मिल जाएगी। मतलब कि ओवरऑल जो इसकी साउंड क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसकी जो साउंड क्वालिटी है मस्त है, एक नंबर मक्खन। गाइस नेक्स्ट बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप के बारे में। तो गाइस यहाँ पर आपको जो बैटरी बैकअप मिलता है ना वो तो काफ़ी बढ़िया ही मिल जाता है, क्योंकि कंपनी क्लेम करती है यहाँ पर आपको 24 आवर का बैटरी बैकअप मिलता है। गाइस जब मैं इसको अनपैकिंग किया था, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी, उस टाइम जो इसकी बैटरी थी वो 80% थी, मतलब कि 80% थी। तो गाइस जब से मैंने इसको फ़ोन से कनेक्ट किया था उसके बाद में मैंने आज दिन में, मतलब कि आज सुबह मॉर्निंग में मैंने इसको डिसकनेक्ट किया था अपने फ़ोन से, तब तक मैं इसको यूज़ कर रहा था। जब मैंने इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट किया, जब ये पैकेट से आया था तब उसी टाइम तब 80% था, और अभी जब मैंने इसका बैटरी देखा बैटरी परसेंटेज तो गाइस मुझे 60% देखने के लिए मिला। मतलब कि 1.5 दिन से मैं इसको यूज़ कर रहा था, ओनली 20% बैटरी ख़त्म हुई है उसकी। अब आप इसके हिसाब से इसका बैटरी बैकअप का अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बैटरी बैकअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। गाइस मैंने इसको चार्ज नहीं किया है एक बार भी, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जैसे ही आया था मैंने अपने फ़ोन से इसको कनेक्ट किया, ये अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुई है तो मैं इसको चार्ज क्यों करूँ। अब गाइस आप देख सकते हैं 1.5 दिन में मैं इसको यूज़ कर रहा था अपने सॉन्ग सुनने में, मेरे जैसे कि कॉलिंग वगैरह होनी है तो गाइस कॉलिंग में भी इसको यूज़ कर रहा था, मेरी वीडियो की एडिटिंग में भी इसको यूज़ कर रहा था। तो गाइस उसके हिसाब से देख सकते हैं मैं इसको आराम से अच्छी वॉल्यूम पर यूज़ कर रहा था। मैं ज़्यादा लाउड वॉइस नहीं सुनता हूँ, 50 से लेकर 60-70% वॉल्यूम सुनता हूँ। तो गाइस आप उसके हिसाब से देख सकते हैं 1.5 दिन में ओनली 20% बैटरी ख़त्म हुई है। तो गाइस उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप देखने मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया है, फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। 10 मिनट चार्ज करते हैं तो आपको 10 घंटे का प्लेबैक मिल जाता है। तो गाइस ओवरऑल इसकी साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है, जो काफ़ी बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी अच्छा आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो
तो गाइस नो डाउट काफ़ी बढ़िया ब्लूटूथ है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगा, अच्छी साउंड क्वालिटी मिलेगी। लेकिन यही बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको इसकी डिज़ाइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके साइज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो गाइस ये वाला ब्लूटूथ आप ले सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी प्राइस पॉइंट के साथ में आता है। मेरी वीडियो देखने के बाद में आपको पता चल गया होगा कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, बैटरी बैकअप कैसा है, सब कुछ आपको क्लियर होगा होगा। प्राइस आपको बताइए, 999 इसकी प्राइस है, फ्लिपकार्ट पर अभी सेल में है, लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मेरी मानो तो ले सकते हैं, बस आपको इसके डिज़ाइन से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया साइज़ आपको काफ़ी बड़ा देखने को मिल जाता है। मैं अगर एक कंपेयर करके बताता हूँ आपको मेरे रियलमी वाली ब्लूटूथ से, आप देख सकते हैं ये रियलमी वाली ब्लूटूथ है, और गाइस ये वाली जो मीवी की है, अब आप साइज़ इसमें आप साइज़ देख सकते हैं कितना बड़ा साइज़ आपको देखने मिल रहा है। जो रियलमी वाली है उसका जो बड्स है वो तो यहीं तक है, और जो मीवी वाली है उसका बड्स आपको बहुत ज़्यादा लंबा देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज़ में आपको देखने मिलता है। मैं पास में लेके आप बताऊँ तो गाइस आप देख सकते हैं कितना बड़ा आपको देखने में मिलता है। तो गाइस ये बस आपको एक साइज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो गाइस आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है। तो गाइस यहीं एंड करते हैं अपनी वीडियो को, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल की घंटी प्रेस करना, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।